हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे कि बच्चों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब सेंटेंसेस में हम एस और ई एस लगाते हैं तो थोड़ा सा उनको डाउट रहता है, और वो इसमें मैक्सिमम जो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होते हैं, वो इसी एस और ई एस के कारण ही होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम वर्ब में कब एस लगाएंगे और कब हम ई एस लगाएंगे। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द फर्स्ट टेंस जो हम टेंस में पढ़ते हैं, पहला टेंस है, और इसमें एस और ई एस लगाने के जो रूल्स हैं दे आर वेरी इजी। वंस यू लर्न देम देन यू विल नेवर फॉरगेट एंड यू ट्राई टू यूज देम इन सिंपल सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट आई प्ले, ओके, सो दिस इज, आई इज अवर सब्जेक्ट एंड दिस इज अवर वर्ब। सो दिस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिकॉज यहां पर आई सब्जेक्ट के साथ हमने डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इसीलिए ये हमारा जो सेंटेंस है ये कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई प्ले, ओके, फुल स्टॉप। यू प्ले, ठीक है, तुम खेलते हो। वी प्ले, हम खेलते हैं। यहां पर हम वर्ब में कहीं पर भी एस नहीं लगा रहे हैं, जो हमारी वर्ब है वो रूट फॉर्म में है, वो ओरिजिनल फॉर्म में है, हमने यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं ही, मतलब थर्ड पर्सन, ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, और जब थर्ड पर्सन हम लिखेंगे तो उसके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो वो हो जाएगा ही प्लेज, शी प्लेज, वह खेलती है, वह खेलता है, और रोहन प्लेस। यदि कोई नाम आता है तब भी हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो इज इट क्लियर फॉर यू नाउ कि जब हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, जब भी आई फर्स्ट पर्सन है, यू फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब लगेगी तो वो अपने रूट फॉर्म में लगेगी, उसमें एस नहीं लगेगा। और जब हम थर्ड पर्सन लिखेंगे तब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी, के साथ हम वर्ब में एस लगाएंगे। ठीक है, अब आप इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू दिस गेम, जस्ट यू राइट एनी वर्ब, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू राइट हियर, नो यू राइट हियर सब्जेक्ट ही, देन ही plays, he writes, he reads, he eats, he drinks, he jumps, in this way. Now you change it with for she. She writes, she plays, she jumps, she drinks, she eats, she reads. क्लियर? सिमिलरली यू कैन ऑल्सो एड हियर, कोई नाम आप लिख सकते हैं राम, एंड यू जस्ट ट्राई टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। थैंक यू।